कच्चे केले की सब्ज़ी ये सब्जी कई तरीकों से बनाई जाती है कच्चा केला डायबिटीज़ ओबिसिटी हार्ट और स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है कच्चे केले से हमारी पाचन शक्ति भी मजबूत होती है नमस्कार कल्पना चौबे रेसिपीज़ में आपका स्वागत है ये आधा के जी कच्चा केला है कुकर में एक इस तरह की जाली रख देती हूँ केले को पानी से धोकर कुकर में डाल देती हूँ अब इसमें एक से दो गिलास पानी डाल देंगे पानी थोड़ा कम या ज़्यादा हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब केले को बॉयल करने के लिए कुकर को गैस पर रख देंगे ये दो टमाटर हैं कटे हुए इसे मिक्सर की जार में डाल देती हूँ सब्जी में अच्छे कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च को पानी में आधे घंटे के लिए पहले से ही भिगो दी थी मिर्च को भी इसी में डाल देती हूँ और इसमें डाल देंगे स्वाद के हिसाब से हरी मिर्च 12 से 15 लहसुन की कली पतले पतले कटे हुए एक इंच अदरक ये भी डाल देंगे इसमें इन सबको एक साथ पीस लेंगे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है और मोटा भी नहीं ऐसा पीसना है केले को भी चेक कर लेती हूँ बॉयल हुआ है या नहीं केले को बॉयल करने के लिए पहले मैं कुकर को हाई फ्लेम पे रखी थी और सीटी आने के बाद गैस के फ्लेम को तीन से चार मिनट के लिए लो कर दी थी इतने ही समय में केला बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गया है इस सब्ज़ी में केले के साथ आलू भी डाल सकते हैं अगर आलू डालना है तो छः केले के साथ तीन आलू डाल देंगे अब इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे आलू डालना है तो केले के साथ आलू भी बॉयल हो जाएगा आलू को भी मैश करके मिक्स कर लेंगे मैश हो गया अब इसमें डाल दे रही हूँ हल्दी पाउडर सब्जी मसाले पीसी हुई काली मिर्च लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी कसूरी मेथी हिंग थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता भी डाल दे रही हूँ स्वाद के हिसाब से नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और फिर एक बड़ा चम्मच बेसन डाल देंगे बिना बेसन के भी ये बहुत अच्छा बनता है लेकिन एक चम्मच बेसन से ही इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और तेल भी बहुत कम ऑब्जर्व करता है बेसन की जगह पे कॉर्न फ्लोर या मैदा भी डाल सकते हैं अब इसे गोल गोल शेप में बना लेंगे छोटा या बड़ा अपने हिसाब से मेरा थोड़ा सा बड़ा ही बन गया है एक प्लेट में रख देती हूँ इसी तरह से सारे गोले बना लेंगे अब बिल्कुल गर्म तेल में इसे डाल देंगे अभी गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई है इसे थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने तक हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है थोड़ा ब्राउन होने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा गर्म तेल में डालेंगे तो ये तेल में डालते ही फैल जाएगा इसलिए पहले इसे हाई फ्लेम पर ही तलना है ये कच्चे केले का कोफ्ता रेसिपी है ये कोफ़्ता रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है कोफ्ते तैयार हो गए इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ कुछ सब्जियों में पीसा हुआ गरम मसाला डालते हैं और कुछ सब्जियों में गरम मसाले का सिर्फ फ्लेवर ही अच्छा लगता है तो फ्लेवर के लिए खड़ा गरम मसाला डालते हैं अब सब्ज़ी बनाने के लिए गरम तेल में डाल दे रही हूँ तेज़ पत्ता दालचीनी और बड़ी वाली इलायची और इसमें डाल देंगे पतले कटे हुए अदरक पंचफोरन दो मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए पहले प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे प्याज फ्राई हो गया है अब जो मसाला पीस कर रखी थी वो इसमें डाल देती हूँ और इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर सब्जी मसाले लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी हींग अब इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक मसालों के चारों तरफ तेल ना दिखने लगे तब तक इसे भूनते रहेंगे मसाला अच्छी तरह से भून जाता है तो इसके चारों तरफ तेल दिखने लगता है तेल तो दिख रहा है अब ये भून गया है अब इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से पानी डाल देंगे ऐसे ये जो कोफ्ता है ये पानी बहुत सोखता है अब स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे इस टाइम पे थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल दे रही हूँ अब जूस तैयार हो गया है कोफ्ता को इसमें डाल देंगे इसका जूस अभी गाढ़ा लग रहा है लग रहा है कि दो गिलास पानी और पड़ेगा कोफ्ते को जूस में डालने के बाद आधा मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक देंगे आधा मिनट के बाद कोफ्ता बिल्कुल तैयार हो गया है कोफ्ते को जूस में डालने के बाद बहुत देर तक इसे नहीं पकाना है नहीं तो ये पूरा फैल जाएगा कोफ्ता तैयार होने के कुछ देर बाद अगर जूस कम लग रहा हो तो पानी को बॉयल करके डाल सकते हैं कच्चे केले की सब्जी बनाने की विधि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद